स्टार प्लस के पॉपुलर शो तू सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि उमा करने वाले हैं कनक की सपोर्ट। लेकिन क्यों, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हाल ही के एपिसोड में हमने देखा है कि किस तरह से बाबा बाल ब्रह्मचारी उमा और कनक के घर पर आते हैं। उमा शंकर अपने गुरु जी को बहुत ही मानते हैं और वो वही करते हैं जो भी उनसे बाबा कहते हैं। दरअसल शो के आने वाले एपिसोड में ये ट्विस्ट आने वाला है कि बाबा यानी कि उमा शंकर के गुरु जी सरस्वती को अपनी सेविका बनाने की मांग करते हैं और ये सुनने के बाद ही उमा शंकर बिना कोई सोच विचार किए गुरुजी की इस डिमांड को मंजूरी दे देते हैं। यानी कि सरस्वती को अब गुरुजी की सेविका बनके रहना होगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे सब कुछ त्यागना होगा, यहाँ तक कि अपना सर तक मुंडवाना होगा। लेकिन इन सभी से परे कनक इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है। दरअसल वो नहीं चाहती कि सरस्वती को गुरुजी की सेविका बनाया जाए। सरस्वती खुद भी इस बात को लेकर काफी परेशान है और वो खुद नहीं चाहती कि वो गुरुजी की सेविका बने, लेकिन उमा शंकर की बात को वो भी नहीं सकती। अब जब सबके सामने कनक अपनी आवाज उठाती है तो इस बात से मासी सा काफी गुस्सा हो जाती हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मासी सा कनक के ऊपर हाथ तक उठाने लगती हैं। लेकिन तभी उमा शंकर आकर मासी सा को रोक लेते हैं क्योंकि उमा शंकर भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका फैसला गलत है और कनक जो भी कर रही है वो सही है और इसकी वजह सिर्फ सरस्वती है क्योंकि वो सरस्वती के चेहरे पर काफी ज्यादा उदासी देखते हैं। तो अब शो के आने वाले सीक्वेंस में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या उमा शंकर की बहन यानी कि सरस्वती वाकई गुरु जी की सेविका बन जाएगी और अपना सर मुंडवा देगी या फिर कनक एक बार फिर से उमा शंकर की आंखें खोल देगी। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।